नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बकबक में। हो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने YouTube चैनल में ज्वाइंट बटन को इनेबल कर सकते हैं, इसको इनेबल करने का क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल को लैपटॉप या पीसी में ओपन कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल पे ट्रांसफर आप नहीं कर पाएंगे। जब आप लैपटॉप में इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है मोनेटाइजेशन में। यहाँ देखिए नीचे मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है, कॉपीराइट के नीचे, इस पे आपको क्लिक करना है ये देखने के लिए कि आपको फीचर मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। कैसे मिलेगा इसका कुछ क्राइटेरिया वो भी समझ लीजिए। आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, यानी मोनेटाइजेशन इनेबल होना चाहिए, और आपके चैनल पे किसी भी प्रकार का स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट वायलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कोई वायलेशन है तो आपको मिला मिलाया ज्वाइन बटन आपसे ले लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई वायलेशन नहीं किया है, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं है और मोनेटाइजेशन इनेबल है तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको चार बटन दिख जाएंगे, चार टैब दिख जाएंगे, ओवरव्यू, मर्चेंडाइज, मेंबरशिप एंड सुपर। आपको मेंबरशिप पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपको फीचर मिला हुआ तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको जो मेंबर आपको ज्वाइन करता है और जितना पे आपको करता है उसका 70% आपको मिलता है और 30% यूट्यूब ले लेता है। मतलब अगर 100 रुपए आपको मिलता है हर महीने तो 30 रुपए यूट्यूब का हुआ, 70 रुपए आपके हुए। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे आते हैं। अगर आपको फीचर मिला होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ जो एडिट लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्ट लिखा रहेगा, ठीक है, ज्वाइन है स्टार्ट लिखा रहेगा। मैं एक्चुअली इसे बनाना मैंने शुरू कर दिया था, यानी इनेबल करना मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आपको भी बताना चाहिए, तो मैंने वहीं पे इसको ड्राफ्ट में सेव कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे ड्राफ्ट में सेव कर दिया है। तो आगे मैं बताता हूँ, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 लेवल तक आप बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 लेवल होता है, आप चाहे तो 4, 5, 6 लेवल तक बना सकते हैं। इन लेवल्स का मतलब होता है कि मिनिमम आप कितना अमाउंट लेंगे मेंबर से और उसके बदले में आप क्या फीचर्स, क्या प्रिविलेज आप उसको देने वाले हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बड़ा चैनल है तो आप उस हिसाब से आप लेवल बना सकते हैं, छोटा है, मीडियम लेवल का है, तो ये आप डिसाइड करता है कितने लेवल आप बनाना चाहते हैं। मिनिमम 1 लेवल आप बना सकते हैं, मैक्सिमम आप 10, 12, 15 लेवल भी बना सकते हैं, क्लियर। जहां पे यहां लिखा है ज्वाइन दिस चैनल, वो लेवल 1 था, लेकिन मैं उस पर बनाना शुरू कर दिया था इसलिए वहां पे ये दिख रहा है। मैं इसे यहां से डिलीट भी कर सकता हूं। जब डिलीट कर दूंगा तो ये लाइन हो गई, यानी ये लेवल खत्म हो चुका है। अब मैं लेवल 2 को बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको इस लेवल को बनाना है और इस लेवल में आप क्या अपने मेंबर्स को देने वाले हैं। अगर आपको 100 रुपए कोई हर महीने देता है तो उसके बदले में आप उसको क्या फीचर देने वाले हैं, क्या सुविधा देने वाले हैं, वो आपकी मर्जी है। आप कुछ भी उसके साथ में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेवल 1 में आए, यहाँ लेवल का नाम लिखना है कि क्या उस लेवल का नाम हो, और मंथली प्राइस है, और यहाँ पे प्रायोरिटी बटन वगैरह है। तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे लेवल 1 आप जो लेवल का नाम है आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे दिया गोल्ड, क्लियर। यहाँ पे आप प्राइस डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम कितना रुपए लेना चाहते हैं, 29 रुपए से लेके और मैक्सिमम 8,000 रुपए तक का ऑफर है। तो आप, मेरा राय आपको यही सजेशन ये है कि उतना ही अमाउंट चार्ज कीजिए जितना कि आपके सब्सक्राइबर अफोर्ड कर सके। अब किसी से आप 500 रुपए या 1,000 रुपए मांगेंगे तो इतनी आसानी से नहीं पे करने वाला। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो मैक्सिमम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 199 रुपए सेलेक्ट कर लिए, क्लियर। यहाँ कंट्री बाय डिफॉल्ट शो करेगा, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस कंट्री में आप होते हैं उस कंट्री के ही ज्यादा सब्सक्राइबर आपको मिलते हैं, तो उसे आप चेंज ना करें। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे क्रिएट अ पीक पर क्लिक करना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बने बनाए पीक्स हैं और आप चाहें तो अपना बना सकते हैं।
बने बनाए में आपको बहुत सारे पीक्स मिल जाते हैं। जैसे आपका जो आप अगर आपको ज्वाइन करता है कोई प्ले करता है तो आप उसके साथ गेम खेलना चाहते हैं तो लिखा है यहाँ पे गेम प्ले विद यू। अगर आप उसी बंदे के साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन आप चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप बना भी सकते हैं। तो क्रिएट माई ऑन पीक पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइटल, यहाँ जो टाइटल की जरूरत होगी क्या टाइटल आप देना चाहते हैं उसके लिए, तो मैंने कुछ टाइटल बना रखा है, सारी चीजें बना रखी हैं, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा एक्सक्लूसिव सपोर्ट। अब टाइप करने में टाइम लगता है इसलिए मैंने इसको लिख रखा है, और जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो और आपको चीजें समझ में आ जाए। इसको कॉपी कर लीजिए और ये चीज मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, आप उसको एज इट इज चाहे यूज कर सकते हैं या फिर आप खुद बना भी सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, टाइटल हो गया। डिस्क्रिप्शन में आपको देना है कि आप 200 रुपए जो ले रहे हैं 199 रुपए उसके बदले में आप क्या देने वाले हैं उनको, तो मैंने उसके लिए ये बना रखा है गेट द कॉल और व्हाट्सएप मैसेज फ्रॉम मी इफ यू नीड वंस इन द मंथ, यानी महीने में मैं आपको एक कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकता हूं अगर आपको जरूरत है तो, क्लियर। तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा और इसे यहां पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद साथ है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब हुआ कि एक निर्देश आप दे दें जिससे सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए कोई आपसे लगे शेयर मार्केट के बारे में पूछने या लगे आपसे आप रॉकेट साइंस के बारे में पूछें तो आप बताएंगे नहीं ना, तो इसलिए आप यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं पुट योर क्वेश्चन और क्यूरी ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम, यानी लाइव स्ट्रीम में आप अपने सवाल पूछें, महीने में एक सवाल आप पूछ सकते हैं अगर आपने हमें ज्वाइन किया है, और उसके बदले मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे वो YouTube से जुड़ा हो, मोबाइल से जुड़ा हो या लैपटॉप से जुड़ा हो, तो वो चीज आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। मैंने कॉपी कर रखा है, मैंने कॉपी कर लिया मैं मतलब, और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। एक कल को मुझे कोई फोन करे वो इस टॉपिक पे बात पूछने लगे जिस टॉपिक के बारे में मुझे पता ही नहीं, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। यहां तक तो आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं हुआ। इसके बाद से दोस्तों आप इस यहाँ पे लॉयल्टी बैडेज है और कस्टम इमोजी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप चाहे अब आप उसको सबमिट कर सकते हैं रिव्यू के लिए, यानी आप ये रिव्यू के लिए सबमिट करेंगे और 24 घंटे के अंदर ये रिव्यू हो जाएगा, और अगर ये अप्रूव होता है तो अब आपके चैनल पे ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा और आपके हर वीडियोस के नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा। तो एक बार इसे चेक कर लीजिए, सारी चीजों को स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है, और उसके बाद ही आप इसको, अगर आपको लगता है कि बाद में मैं इसे पब्लिश करूं या सबमिट करूं, क्योंकि अगर एक बार आपने इसको रिव्यू के लिए सबमिट कर दिया और ये अप्रूव हो चुका तो फिर आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो आप इसकी चाहे तो ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको सबमिट कर सकते हैं रिव्यू के लिए, क्लियर। यहां तक क्लियर हो तो मैं यहां पर इसको सबमिट कर देता हूं रिव्यू के लिए। चलिए यहां पे मैं इसको सबमिट रिव्यू के लिए क्लिक कर देता हूं। अब ये क्या कह रहा है कि आप 2 और 3 तो आपने बनाया ही नहीं, ठीक है ना, तो ये जो लेबल्स हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूं। ये देखिए तीसरा लेबल मैं डिलीट कर दूंगा, और ये देखिए इस लेबल को भी मैं यहां डिलीट कर दूंगा, ठीक है। जब आप डिलीट कर देंगे तो आपका सिंपल एक पहले वाला तो मैंने यहां पर डिसेबल कर दिया है, तो बचा क्या सिर्फ एक लेबल, तो मैं इसे यहाँ पे सबमिट रिव्यू पे क्लिक कर, यहाँ पे आप देखेंगे इसे आपको इनेबल करना होगा, और एक बार जब आप इसे अप्रूव करा लेंगे उसके बाद से ना आप इसे डिलीट कर पाएंगे और ना ही आप इसमें चेंजेस कर पाएंगे, तो बी केयरफुली एक बार चेक कर लें। यहाँ पे भी देखिए इस तरह का कुछ आपका लिखेगा, बोर्ड लिखा रहेगा और रॉयल्टी बैडेज इस तरह से दिखाई देगा, एक्सक्लूसिव सपोर्ट यहाँ लिखा रहेगा, और ये सारी चीजें जो आपने लिखी है वो नीचे आपको दिखाई देगा, क्लियर। ये जो बैंडेज है इसके बारे में आपको बता दूं, अगर आपको 2 महीने लगातार कोई पे करता है तो ग्रीन दिखाई देगा, और अगर 2 साल तक लगातार हर महीने आपको कोई पे करता है तो ये लास्ट वाला दिखाई देगा। इस तरह से मंथ वाइज आपको बैंडेज आपका
शो होता रहेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट है, बना बनाया है। मैं इसे यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे आपको टिक लगाना है रिव्यू प्रोसेस के लिए, जो 24 घंटे के अंदर आपको रिव्यू होके आपको ईमेल आ जाएगा और इसे सबमिट कर देना है। तो देखा दोस्तों आपने कि मैंने अपने रिक्वेस्ट को सबमिशन के लिए भेज दिया है। जब इस अभी ये चला गया है, अभी 24 घंटे में मुझे इसका रिजल्ट आ जाएगा मेल पे, और उसके बाद से जब ये इनेबल हो जाएगा उसके बाद से करना क्या है वो भी बता दूं आपको। उसके बाद से दोस्तों आपको एक पोस्ट क्रिएट करनी है और एक वीडियो क्रिएट करना है। इस वीडियो में आप बता सकते हैं लोगों को कि ज्वाइन बटन को आप इनेबल कीजिए, पेमेंट कीजिए और उसके बदले में ये सुविधा लीजिए। तो उसके लिए आप एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अनाउंस माई मेंबरशिप, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अभी नहीं करेंगे, तब करेंगे। अगर अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो आपका अनलिस्ट अभी का अपलोड कर दीजिए। जब आपका अप्रूवल हो जाए उसके बाद से इसको आप पब्लिक करिएगा। अभी आप चाहें तो अभी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉट नाउ, या फिर आप अभी इसको अपलोड कर सकते हैं। जिसमें सिंपली आपको बताना है अपने सब्सक्राइबर्स को कि आपने आपको सर्विस मिल चुकी है और उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पोस्ट वेलकम न्यू मेंबर, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो कम्युनिटी पोस्ट आप लिखते हैं वहां पे लोगों को पोस्ट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको ये फीचर मिल चुका है ज्वाइन का और आप के चैनल पे ज्वाइन बटन को इनेबल कर ले, मतलब ज्वाइन कर ले और जो आप प्रिविलेज आप उनको दे रहे हैं उसका फायदा उठा सकें। तो ये सारी चीजें बाद में होंगी, दोनों चीजें बाद में होंगी जब अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ज्वाइन बटन को इनेबल करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे उसको रिव्यू के लिए भेजते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन रिव्यू, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ठीक है, सेटअप माई मेंबरशिप ऑफर गोल्ड, यहाँ जो मैंने अभी बनाया था। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। अगर आपको बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा आपको। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय दोस्तों।